संक्रमण के चलते ताड़ोबा सफारी पर्यटकों के लिए बंद कर दी गई थी और वहीं जिले में कोरोना के रुग्णों में लगातार हो रही कमी के चलते एक बार फिर कोरोना नियमों का पालन करते हुए ताड़ोबा सफारी पर्यटकों के लिए पुनः शुरू कर दी गई है। तो चलिए नजर डालते हैं इस खबर पर। ताड़ोबा की पहचान आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो चुकी है और देश विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पर ताड़ोबा के दर्शन के लिए आते हैं तथा ताड़ोबा सफारी का हिस्सा बनते हैं और विशेष रूप से ताड़ोबा के बाघ जो जग प्रसिद्ध है और बड़ी संख्या में काफी नामी गिरामी हस्तियाँ यहाँ पर पहुँच चुकी है। मगर कोरोना के संक्रमण के चलते ताड़ोबा सफारी एक बार फिर बंद कर दी गई थी। मगर चंद्रपुर जिले में कोरोना का संक्रमण अब धीरे धीरे कम होता दिखाई दे रहा है और वहीं एक बार फिर कोरोना के नियमों का पालन करते हुए पर्यटकों के लिए एक बार फिर ताड़ोबा सफारी की शुरुआत की गई है और इस मौके पर ताड़ोबा के दर्शन करने के लिए एक बार फिर पर्यटक यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने काफी प्रसन्नता व्यक्त की। वहीं इस दौरान कुछ पर्यटकों ने मीडिया प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करते हुए अपनी खुशी का इजहार करते हुए क्या कहा, आप सुन सुनी जुबानी। कर्मचारी गेट वर चे तो काळजी घेतली आहे। सर्वप्रथम त्यांनी गाडीवरती सॅनिटायझर मारलेला आहे, त्यानंतर आमच्याकडे पण स्वतःचा सॅनिटायझर आहे। त्या व्यतिरिक्त जो डिस्टन्स असते सोशल डिस्टन्स म्हणून आम्ही फक्त चारच लोक इथं चाललेलो आहोत आणि आमच्याला आम्ही इथलेच असल्यामुळे आम्हाला इंटरेस्ट आहे जंगलाबद्दल। आम्ही जंगलामध्येच राहणारे माणसं असल्यामुळे आम्ही खास करून आम्ही आज पहिली सफारी आम्हीच घेऊन राहिलेलो आहे। खूप चांगलं वाटलं। आम्ही खूप घरही राहूराव बोर झालेलो होतो 2-3 महिने लॉकडाऊनमुळे। जंगल चालू झालं, खूप चांगलं आहे। व्याघ्र प्रकल्प इतक्या दिवसानंतर चालू झाल्यानंतर आम्हाला भरपूर म्हणजे खुशी होऊन राहिली आणि यांनी पूर्ण प्रोटोकॉल जे आहे कोविडचे ते सर्व पालन करून यांनी प्रॉपर तरीकेने यांनी एंट्री घेतलेली आहे आणि निसर्ग पर्यटनासाठी तर सर्वात बेस्ट ताडोबा आहे। आणि मी इतकं म्हणजे तुम्हाला सांगू नाही शकता की मी माझी खुशी किती आहे की मी इथे आलेला आहो। सर्वात पहिले मी आपली गाडी लावलेली आहे जेणेकरून मला वाघ किंवा काही प्राणी मला पाहायला भेटतात।